हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, लास्ट की वीडियोस में हमने लैटिस और लैटिस से रिलेटेड जो लेक्चर्स है वो हमने कवर किए थे, और आज हम स्टार्ट करेंगे बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा की तीन टाइप की डेफिनेशन और उनके एक एक एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बूलियन अलजेब्रा का जो आज का लेक्चर है ये बेस लेक्चर होगा। आगे जो हम इसकी थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे, इम्पोर्टेंट थ्योरम को प्रूफ करेंगे, उसमें इस लेक्चर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा, क्योंकि सभी कंडीशन, सभी डेफिनेशन जो आज बताने वाला हूँ मैं इस लेक्चर में, वही सब आगे थ्योरम्स में यूज होगी। तो इस लेक्चर की डेफिनेशंस वगैरह को, है ना, कंडीशंस को बूलियन अलजेब्रा के अच्छे से समझ के चले तो आगे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बूलियन अलजेब्रा होता क्या है? देखिए, आपने लैटिस के रिगार्डिंग, है ना, ज्वाइन और मीट दो आप ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। उन्हीं ऑपरेशंस को लेकर भी बूलियन अलजेब्रा को डिफाइन करते हैं, और कुछ स्पेशल ऑपरेशन भी होते हैं। जैसे कि बूलियन अलजेब्रा की अगर बात करें तो एक तरह की अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही होती है, है ना। बूलियन अलजेब्रा इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक्स, जो किस पर बेस्ड होती है, प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक पर बेस्ड होती है, है ना। प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक्स, यहाँ पर जो ऑपरेशंस यूज करेंगे हम, ज्वाइन मीट, है ना, प्लस डॉट और यूनियन इंटरसेक्शन, ये सब लॉजिक पर बेस होंगे ऑपरेशंस, है ना। और उसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम बूलियन अलजेब्रा की फॉर्म में बताने वाले हैं। अगर यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा के लिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करें तो तीन तरह के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, मतलब तीन डेफिनेशन बूलियन अलजेब्रा की होगी। सबसे पहली जो मेन डेफिनेशन होती है, कोई बी नॉनम्पटी सेट होगा और उस पर दो ऑपरेशन डिफाइन होंगे, एक प्लस और एक मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो इस तरह की दो ऑपरेशन को लेकर के हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बूलियन अलजेब्रा बनेगी, जो कि डेफिनेशन वन होगी। फिर दूसरी डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे बूलियन अलजेब्रा की, बी, और उसमें ऑपरेशन लेंगे ज्वाइन और मीट, ठीक है। इसमें ज्वाइन और मीट लेंगे, दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी बूलियन अलजेब्रा की, बूलियन अलजेब्रा की। और तीसरी डेफिनेशन होगी बी कोई सेट होगा और यूनियन और इंटरसेक्शन दो में बाइनरी ऑपरेशन होंगे। तो ये तीन जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखी है, इन तीनों डेफिनेशन को हम डिफाइन करने वाले हैं विद एग्जांपल्स, ठीक है। डेफिनेशन नंबर वन में हम दो ऑपरेशन कंसिडर करेंगे, एक प्लस और एक मल्टीप्लीकेशन। प्लस और मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर जो जनरल आपके ऑपरेशन होते हैं, प्लस मल्टीप्लीकेशन, ये उसको डिनोट नहीं करता, है ना। इसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन होगी, है ना, क्योंकि लॉजिक में चलेगा तो यहाँ पर जीरो वन में ये वैल्यू चलती है। कैसे चलती है, चलिए देख लेते हैं। लेट बी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एक बी हमने नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर किया विद एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट जीरो एंड वन। उसमें हमने मान लिया कि कम से कम दो एलिमेंट तो उसमें पहले से बिलोंग करते हैं, एक जीरो और वन। हम डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हम जीरो को मान करके चलते हैं लिस्ट एलिमेंट, और वन को हम मान करके चलते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट इस सेट का, है ना। बाकी एग्जांपल पर डिपेंड करता है कि उस सेट का लिस्ट एलिमेंट कौन है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन है। फिलहाल हम जीरो को लिस्ट एलिमेंट और वन को ग्रेटेस्ट एलिमेंट कंसिडर करके चलते हैं। तो बी कोई सेट है जिसमें जीरो वन पहले से ही बिलोंग करते हैं, लिस्ट एलिमेंट एंड एज ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तब हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेंगे एक बी, और इन दोनों ऑपरेशन को लेंगे प्लस और मल्टीप्लीकेशन, डॉट से हमने डिनोट किया है जिसको, इज कॉल्ड ए बूलियन अलजेब्रा। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारी बूलियन अलजेब्रा कहलाएगी यदि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, है ना। और वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होगी? सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर क्लोजर लॉ, है ना। क्लोजर लॉ आप जानते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट अगर हम सेट में लेते हैं ए और बी, उन दोनों को, क्योंकि दो ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन है, उन दोनों को हम ऐड करें, यानी कि ए प्लस बी निकालें, वो भी हमारा सेट में बिलोंग करे, और उन दोनों की हम मल्टीप्लीकेशन करें, ए डॉट बी निकालें, वो भी हमारा सेट में बिलोंग करे, तब हम कहते हैं, ये कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं, फॉर ऑल के लिए कंडीशन होनी चाहिए, है ना, तो हम कहते हैं क्लोजर लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। तो सबसे पहली कंडीशन होती है बूलियन अलजेब्रा को प्रूफ करने के लिए क्लोजर लॉ, जो कि बहुत सिंपल है, जो कि आपने ग्रुप थ्योरी में बहुत एग्जांपल्स में भी पढ़ी होगी बहुत अच्छे से। कम्यूटेटिव लॉ भी बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि दो एलिमेंट अगर हम ए और बी, बी सेट में लेते हैं, है ना,
तो पहली कंडीशन प्लस के लिए होगी, ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन मल्टीप्लीकेशन के लिए होगी, ए डॉट बी जो है बी डॉट ए के बराबर होना चाहिए। तो दोनों ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई होना चाहिए, जो कि दूसरी कंडीशन होगी। तीसरा होता है इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा कि मल्टीप्लीकेशन को प्लस के ऊपर ऑपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर वन डालता हूँ उसको मैं, कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के, फॉर ऑल ए बी सी किस में बिलोंग करते होंगे, हमारे बी सेट में। तो ये होगा हमारा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरीके से हम राइट को भी ले सकते हैं, बी प्लस सी, बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा इस तरीके से वहाँ पर सेटिस्फाई हो। दूसरा, साथ ही साथ में हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में कैसे होगा कि ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी के। ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर प्लस को हम मल्टीप्लीकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें। सेम तरीके से राइट भी डिफाइन कर सकते हैं, बी डॉट सी प्लस ए इक्वल हो जाएगा हमारा बी प्लस ए डॉट सी प्लस ए। तो लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारे इस तरीके से सेटिस्फाई होने चाहिए। पहले हमने डॉट को मल्टीप्लीकेशन को एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पर हमने एडिशन को मल्टीप्लीकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारा होल्ड हो। फोर्थ कंडीशन होती है इसमें आइडेंटिटी लॉ, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी दोनों ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम जीरो और वन सेट में पहले ही बिलोंग करा के चले हैं, तो जीरो को मान करके चलेंगे हम एज ए एडिटिव आइडेंटिटी, और वन को लेकर के चलेंगे हम एज ए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी के लिए नंबर वन, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो। कोई भी एलिमेंट आप लेते हैं तो ए प्लस जीरो भी ए के बराबर आए, या जीरो प्लस ए भी ए के बराबर आए। दूसरा, हम वन को मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मानेंगे, है ना, ए डॉट वन इक्वल टू ए होना चाहिए, वन डॉट ए भी इक्वल टू ए के बराबर होना चाहिए, यानी कि जीरो होगा यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी और वन होगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमारे दोनों ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में वहाँ पर बिलोंग करने चाहिए। फिर होता है हमारा लास्ट में फिफ्थ ला, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट ला कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ला मतलब जितने भी एलिमेंट हमारे बी सेट में है, सबके एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट वहाँ पर बिलोंग करने चाहिए। आप जानते हैं कि अगर हम कोई जनरल एलिमेंट ले ए, जो कि बी में बिलोंग करता है, तो इसके कोरस्पोंडिंग इसका कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैस बी कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट को हम कहेंगे ए डैस, है ना। वो किस में बिलोंग करना चाहिए, बी में बिलोंग करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट ए डैस बिलोंग्स टू बी, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, आप सभी जानते हैं। देयर एग्जिस्ट ए डैस बिलोंग टू बी सच डैट, इस तरीके से बिलोंग करें, ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन होती है कि ए को ए डैस के साथ ऐड करें, या ए डैस को ए के साथ ऐड करें, हमें हमेशा वन मिलना चाहिए, ठीक है। ए को उसके कम्प्लीमेंट के साथ जोड़ने पर हमेशा वन बने, यानी कि सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट बने। और दूसरा, ए को ए डैस के साथ मल्टीप्लाई करें, या ए डैस को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा सेट का लिस्ट एलिमेंट बने, यानी कि जीरो एलिमेंट बने, ठीक है। ये वही ऑपरेशन है अगर हम यूनियन लेते हैं तो आप जानते हैं किसी सेट का यूनियन उसके कम्प्लीमेंट के साथ करने पर, है ना, पूरा यूनिवर्सल सेट बनता है। यूनिवर्सल सेट जो कि हमने यहाँ पर वन से रिप्रेजेंट किया है, और अगर उस सेट का इंटरसेक्शन हम उसके कम्प्लीमेंट के साथ करें तो हमें फाई सेट मिलता है, जिसको हमने जीरो से रिप्रेजेंट किया है। तो वही सब कंडीशंस है जैसे आपने सेट थ्योरी में पढ़ी थी, बस एलिमेंट यहाँ पर हमारे लॉजिकली चलेंगे जीरो वन, जीरो लिस्ट एलिमेंट और वन ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो कोई भी बी सेट विद द ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन अगर ये पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है जो मैंने आपको बताई, क्लोजर, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी लॉ एंड कम्प्लीमेंट लॉ, तो पांचों प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करता है, तब हम उसको कहते हैं कि हमारा सेट बूलियन अलजेब्रा है। और बूलियन अलजेब्रा का एक तरीका तो ऊपर मैंने आपको बता दिया लिखने का, दूसरा एक तरीका और होता है इसको लिखने का,
है ना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बी प्लस ऑपरेशन डॉट ऑपरेशन, क्योंकि इसमें कम्प्लीमेंट ला भी हम यूज़ करते हैं, तो कम्प्लीमेंट ला के लिए हम ये डैश ऑपरेशन यूज़ करेंगे, और लिस्ट एलिमेंट जीरो ग्रेटेस्ट एलिमेंट वन। तो बूलियन अलजेब्रा को हम इस तरीके से लार्ज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ये कम्प्लीमेंट ला होगा जिसको हम डैश कहते हैं, है ना, और जीरो लिस्ट एलिमेंट वन ग्रेटेस्ट एलिमेंट, है ना। तो ये हमारा जो यहाँ पर डैश है इसको हम यूनरी ऑपरेशन कहते हैं, डैश को हम क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेशन। और जो हमारा प्लस और मल्टीप्लीकेशन है वो आप जानते हैं वो बी सेट पर बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो ये हमारा बूलियन अलजेब्रा होता है यदि हम ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लीकेशन लें। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमें दिया है कि शो डैट द स्ट्रक्चर बी प्लस डॉट एंड कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का साइन डैश से हमने रिप्रेजेंट किया है, इज ए बूलियन अलजेब्रा। हमें प्रूफ करना है बूलियन अलजेब्रा होगा। बी में यहाँ पर केवल दो ही एलिमेंट है, एक जीरो और एक वन, और जो प्लस और मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन है, और जो कम्प्लीमेंट है डैश वो हमारा यूनरी ऑपरेशन है बी के ऊपर, है ना। और ये इस तरीके से डिफाइन है कि हमें टेबल में दिया है, है ना, टेबल में हमें ऑलरेडी गिवन है कि अगर प्लस ऑपरेशन ले जीरो को जीरो के साथ जोड़ने पर जीरो मिलेगा, क्योंकि लॉजिकल है ये हमारा, है ना। जीरो को हम यूज़ करते हैं एज ए फॉल्स, है ना, और वन को हम यूज़ करते हैं ट्रू, ट्रू वैल्यू के लिए वन और फॉल्स वैल्यू के लिए जीरो। ये लॉजिकल हमारे एलिमेंट होते हैं जीरो वन, आप जानते हैं। तो यहाँ पर जीरो को अगर जीरो के साथ ऐड करें तो जीरो आएगा, और जीरो को अगर वन के साथ ऐड करें तो वन आएगा, ठीक है ना। और फिर वन को जीरो के साथ ऐड करें तब वन आएगा, वन को वन के साथ ऐड करें तो लॉजिकली ट्रू 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 वैल्यू ही देता है, तो ये हमें वन मिलेगा, ये हमें ऑलरेडी गिवन है टेबल। सेम तरीके से हमें मल्टीप्लीकेशन की टेबल भी दी है, है ना। मल्टीप्लीकेशन टेबल कैसे दी है कि जीरो की मल्टीप्लाई जीरो के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो की वन के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, वन की जीरो के साथ करेंगे जीरो आएगा, और वन की वन के साथ करेंगे तो वन आएगा। ये टेबल हमें गिवन है। इधर कम्प्लीमेंट भी दिया है, इधर एक एलिमेंट ए है उधर उसका कम्प्लीमेंट ए डैश है। अगर ए की वैल्यू जीरो ले तो जीरो का कम्प्लीमेंट यहाँ पर वन कहा गया है, और वन ले तो वन का कम्प्लीमेंट यहाँ पर जीरो कहा गया है। ये तीनों टेबल हमें गिवन है। तब हमें प्रूफ करना है कि ये जो हमारा बी सेट है, दो एलिमेंटों का जो सेट है जीरो वन जिसमें एलिमेंट है, ये हमारा बूलियन अलजेब्रा बनाएगा, जिसके लिए हमें वही पाँच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होगी। सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। ग्रुप थ्योरी में सेकंड मॉड्यूल में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो हमारे यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है प्लस और मल्टीप्लीकेशन दोनों के लिए अगर कंपोजिशन टेबल को देखें तो सारे एलिमेंट हमारे बी में ही बिलोंग करते हैं, जीरो वन जीरो वन ही इसमें आए हैं टेबल में सारे एलिमेंट। इसका मतलब यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होता है। वही बात हमने लिखी भी है नीचे क्लोजर लॉ में, सिंस द प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेट बी, देयरफॉर बी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, है ना। या फाइनली आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी अगर हम कहते हैं कि बी में बिलोंग करते हैं, तो दोनों को ऐड करने पर भी जो एलिमेंट आया वो भी बी में गया, और दोनों के मल्टीप्लाई करने पर भी जो एलिमेंट आया वो भी बी में गया। ए बी जीरो वन कुछ भी हम कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव ला भी कंपोजिशन टेबल से ही होल्ड हो जाता है, जैसे कि आपने मॉड्यूल टू में पढ़ा है, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के आइडेंटिकल है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के आइडेंटिकल है, है ना। ये आप कह सकते हैं कि ईच रो एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, है ना, या सिमेट्रिकल सेम है, तब हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव ला यहाँ पर होल्ड होता है। सेम हमारा मल्टीप्लीकेशन वाले टेबल में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के आइडेंटिकल है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के आइडेंटिटिकल है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव ला होल्ड होगा। वही हमने यहाँ पर लिखा भी है कि फर्स्ट टू टेबल आर सिमेट्रिकल इन द रोज एंड कॉलम्स, डेट इज़ आप कह सकते हैं कि जीरो को वन के साथ ऐड करने पर या वन को जीरो के साथ ऐड करने पर सेम एलिमेंट आता है, जीरो की वन के साथ मल्टीप्लाई करने पर या वन की जीरो के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी सेम ही एलिमेंट आता है टेबल में, आप देख सकते हैं। इसका मतलब प्लस और मल्टीप्लीकेशन दोनों ऑपरेशन यहाँ पर कम्यूटेटिव ला को होल्ड करते हैं, ठीक है। फिर नंबर थ्री ऑपरेशन हमारा होता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव ला। डिस्ट्रीब्यूटिव ला में हम केवल लेफ्ट को ही चेक करेंगे, है ना, राइट को भी आप कर सकते हैं, केवल लेफ्ट से भी हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो लेफ्ट हम प्लस को पहले मल्टीप्लीकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन को प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि मैंने राइट में लिख रखा है, दोनों के दोनों ला लिखे है, ना, दोनों को हम यूज़ करेंगे। अब ए बी से तीन एलिमेंट हमें चाहिए, और आप जानते हैं बी सेट में केवल दो ही एलिमेंट है जीरो और वन,
तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि ए की वैल्यू हमने जीरो ली, है ना, ए को हमने जीरो लिया, बी की वैल्यू हमने वन ले ली और सी की वैल्यू हमने फिर से जीरो ले ली। तो ए को जीरो, बी को वन और सी को जीरो यूज करके देखते हैं कि क्या एलिमेंट हमें मिलेगा। तो इस वाले ला को यूज़ करेंगे पहले, तो ए को जीरो प्लस फिर हमारा आएगा बी की वैल्यू वन डॉट जीरो। अगर इसको सॉल्व करें तो पहले हमें वन डॉट जीरो को देखना होगा। वन डॉट जीरो ऊपर की टेबल से देख सकते हैं, वन की मल्टीप्लाई जीरो के साथ करने पर जीरो ही आया है, तो वन डॉट जीरो का मतलब यहाँ पर जीरो होगा। और जीरो को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो लेफ़्ट टेबल में जाएगा, जीरो को जीरो के साथ ऐड करके जीरो मिलता है, तो ये वैल्यू हमें जीरो मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने लेफ़्ट साइड निकाली, ऐसे हम राइट साइड निकाल सकते हैं, है ना। ए प्लस बी यानी कि जीरो प्लस वन डॉट, और ये है ए प्लस सी यानी कि जीरो प्लस जीरो। ठीक है, जीरो प्लस जीरो जीरो देगा और जीरो प्लस वन हमें, जीरो प्लस वन हमें वन देगा, और दोनों की डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो जीरो आएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू हमारी इक्वल है, ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी इक्वल है, यानी कि फर्स्ट वाला ला यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। ठीक है, सेम तरीके से हम सेकंड वाले ला को भी चेक कर सकते हैं। सेकंड वाला ला ये वाला, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। ए की जगह पर जीरो रखें तो जीरो डॉट, बी की जगह पर वन, फिर सी की जगह पर जीरो, कितना मिलेगा आपको यहाँ पर। पहले हम जीरो, वन प्लस जीरो की वैल्यू निकालेंगे जो कि वन आएगा ऊपर की टेबल से, फिर जीरो इंटू वन निकालेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, जीरो इंटू वन निकालेंगे तो जीरो आएगा, इसका मतलब यहाँ पर इस एलिमेंट की वैल्यू जीरो आएगी। फिर हम निकालें ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब होगा जीरो इंटू वन प्लस ए डॉट सी यानी कि जीरो इंटू जीरो। जीरो इंटू वन जीरो आता है और प्लस जीरो इंटू जीरो जीरो आएगा, दोनों को सॉल्व करके जीरो आएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, है ना, इस लाइन की लेफ्ट साइड हमने निकाली, राइट साइड निकाली, दोनों इक्वल आया है। तब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लेफ्ट वाले ला है वो सेटिस्फाई होते हैं। सेम तरीके से आप राइट वाले ला को भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी यहाँ पर होल्ड होता है। फिर बात करते हैं आइडेंटिटी ला की। आइडेंटिटी ला क्लियर आप जानते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट जिससे कि ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट वापस आ जाए। पहली टेबल में जीरो एक ऐसा एलिमेंट है कि जीरो में जीरो को जोड़ा तो जीरो ही आ गया, जीरो में वन को जोड़ा तो जीरो ही, सॉरी वन ही आ गया, है ना। यानी कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है वही सेम हमारे आ गए, इसका मतलब जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। और इधर हम अगर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में देखें तो वन को जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तो जीरो आया, वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो वन आया, मतलब वही एलिमेंट सेम आ गए जब हमने वन को मल्टीप्लाई किया, यानी कि वन हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, यानी कि दोनों आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम द टेबल, हमें यहाँ पर बहुत ईजिली दिख रहा है, है ना, कि जीरो प्लस जीरो अगर लेते हैं तब भी जीरो आता है, या वन प्लस जीरो हम लेते हैं तो जीरो प्लस वन यानी कि वन के बराबर आता है। इसका मतलब जीरो क्या है, हमारी यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी है। ऐसे ही अगर हम जीरो इंटू वन करते हैं या वन इंटू जीरो करते हैं तो जीरो ही आता है, सेम एलिमेंट वापस हो जाता है। वन इंटू वन करें तो वन ही आता है, तो वन यहाँ पर हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट में बचता है कंप्लीमेंट ला। तो हमारे लास्ट वाली टेबल से ही क्लियर है, खुद ही क्वेश्चन में बोला गया है कि जीरो का कंप्लीमेंट कौन है, वन है, वन का कंप्लीमेंट कौन है, जीरो है, दो ही एलिमेंट सेट में है। तो लास्ट में हमने वही लिखा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश बिलोंग्स टू बी, ए का कंप्लीमेंट ए डैश जिसको हम कहते हैं वो हमारा सेट में बिलोंग करता है। जैसे कि आप जानते हैं जीरो का कंप्लीमेंट कौन है, वन है, जीरो डैश इक्वल टू वन, वन का कंप्लीमेंट कौन है, जीरो है, है ना। तो कंप्लीमेंट ला भी हमारा यहाँ पर होल्ड होता है। और साथ ही साथ में कंप्लीमेंट ला में आप करके देख लीजिए, है ना, किसी भी ए को आप जीरो मान लीजिए, है ना, और ए डैश को आप वन, ए डैश को आप जीरो का डैश यानी कि वन मान लीजिए। ठीक है, ऑपरेट करके देखेंगे तो हमेशा वन आएगा, यानी कि ये ला दोनों सेटिस्फाई हो गए जो मैंने यहाँ पर लिखे है। ए को मैंने लिया जीरो, फिर जीरो का कंप्लीमेंट तो ये आएगा जीरो प्लस वन, जिसको सॉल्व करके वन ही आएगा, यानी कि ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई। ऐसे ही ए और ए डैश ले यानी कि जीरो और डॉट जीरो डैश ले, जीरो डैश का मतलब वन, वन कंप्लीमेंट होगा तो जीरो इंटू वन जो कि सॉल्व करके जीरो आएगा, यानी कि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है।
यानी कि जो कम्प्लीमेंट ला की कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होती है ना, दो एलिमेंटों को जोड़कर, ठीक है, एक ए और उसके कम्प्लीमेंट को जोड़कर वन आता है, मल्टीप्लाई करके जीरो आता है, तो कम्प्लीमेंट ला भी हमारा यहाँ पर होल्ड होता है। तो आपने देखा इस एग्जांपल में हमने पांचों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराया, इसका मतलब ये जो है हमारा बूलियन अलजेब्रा बनाएगा। लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो बी सेट है वो प्लस मल्टीप्लीकेशन डैश डैश फॉर कम्प्लीमेंट, है ना, यूनरी ऑपरेशन कहते हैं इसको, विद लिस्ट एलिमेंट जीरो और ग्रेटेस्ट एलिमेंट वन, है ना, ये हमारा एक बूलियन अलजेब्रा बनाता है। ओके, ये तो हो गया हमारा प्लस और मल्टीप्लीकेशन को लेकर के, इसी से रिलेटेड हम थ्योरम भी करेंगे। अब सेम डेफिनेशन होती है ज्वाइन और मीट को लेकर के, है ना, कंडीशन सेम है, सब कुछ सेम है, बस ऑपरेशन बदलेगा। हमने एडिशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर ज्वाइन से, और मल्टीप्लीकेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया मीट से। लेट बी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट है विद एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जिसमें दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जीरो और वन, जीरो एज ए लिस्ट एलिमेंट, वन एज ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट, हमने कंसिडर किया। तब एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमने ली बी सेट विद द टू ऑपरेशन ज्वाइन एंड मीट, ठीक है, ये हमारी बूलियन अलजेब्रा कहलाएगी यदि वही पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। सबसे पहली क्या होती है, क्लोजर ला, क्लोजर ला, जितने भी एलिमेंट बी में बिलोंग करेंगे उनका हम ज्वाइन निकाले वो भी बी में बिलोंग करे, उनका हम मीट निकाले वो भी बी में बिलोंग करे। ज्वाइन फॉर लिस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम फॉर टू एलिमेंट्स, एंड मीट फॉर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इनफिमम फॉर ए एंड बी एलिमेंट, जैसे कि आपने लैटिस में पढ़ा है। तो क्लोजर ला सेटिस्फाई होनी चाहिए। कम्यूटेटिव ला फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए, ए ज्वाइन बी निकाले या बी ज्वाइन ए निकाले, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम हो, और ऐसे ही ए मीट बी निकाले या बी मीट ए निकाले, दोनों की वैल्यू सेम हो, यानी कि कम्यूटेटिव ला भी वहाँ पर सेटिस्फाई होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव ला, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी वहाँ पर होल्ड हो। मैंने केवल लेफ्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, आप राइट भी दिखा सकते हैं, है ना। ए को ज्वाइन को हम मीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए ज्वाइन बी मीट सी, ये मिलेगा ए ज्वाइन बी मीट ए ज्वाइन सी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसी मीट को आप ज्वाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए मीट बी ज्वाइन ए मीट सी, ये मैंने लेफ्ट और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला ज्वाइन और मीट के लिए डिफाइन किया, आप राइट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी होल्ड हो तीन एलिमेंटों के लिए। आइडेंटिटी ला, आइडेंटिटी ला भी वहाँ पर होल्ड होना चाहिए, है ना, वहाँ पर जीरो और वन दो एलिमेंट आपको एज ए लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऐसे मिल जाए बी में कि ए का ज्वाइन जीरो के साथ निकालने पर ए ही आए, है ना, यानी कि ए और जीरो का सुप्रीमम निकाले तो ए आए, और ए और वन का इनफिमम निकाले इनके मीट निकाले तो ए ही आए। तो जीरो और वन यहाँ पर ज्वाइन और मीट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेंगे। फिर आते हैं कम्प्लीमेंट ला, कम्प्लीमेंट ला की फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी के लिए सभी एलिमेंटों का कम्प्लीमेंट ए डैश बी बी में बिलोंग करना चाहिए, और इस तरीके से करें कि ए का कम्प्लीमेंट ए और ए के कम्प्लीमेंट का ज्वाइन निकाले तो वन आए, और ए और ए के कम्प्लीमेंट का मीट निकाले तो जीरो आए, ठीक है। तो कंडीशन वही है, बस प्लस की जगह पर ज्वाइन ऑपरेशन हुआ है और मल्टीप्लीकेशन की जगह पर हमने मीट ऑपरेशन यूज किया। कंडीशन सारी वही है, पांचों कंडीशंस बिल्कुल सेम वही है, है ना। और इस बूलियन अलजेब्रा की नोटेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं कि बी फिर ज्वाइन ऑपरेशन फिर मीट ऑपरेशन फिर डैश फॉर कम्प्लीमेंट यूनरी ऑपरेशन और लिस्ट एलिमेंट जीरो ग्रेटेस्ट एलिमेंट वन, ठीक है। तो ये हमारा बूलियन अलजेब्रा बनाता है अगर पांच प्रॉपर्टी ज्वाइन मीट के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई होती है। और ये सभी कंडीशन हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला में भी पढ़ चुके हैं पहले से ही, है ना। लैटिस में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, है ना, और मॉडुलर लैटिस, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, है ना, और लैटिस की प्रॉपर्टी सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसकी थ्योरम भी ऑलमोस्ट वहीं से बिल्कुल सेम जाएगी जो मैंने वहाँ पर लैटिस में कराई थी थ्योरम, ऑलमोस्ट सेम थ्योरम यहाँ पर बनती है इसकी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है नोट में कि ए कम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इज कॉल्ड ए बूलियन अलजेब्रा। अगर कोई लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव है और साथ में कम्प्लीमेंटेड भी है, मतलब सारे एलिमेंटों के कम्प्लीमेंट भी उसमें एग्जिस्ट करते हैं लैटिस में, तो वही हमारा क्या बनाता है, बूलियन अलजेब्रा बनाता है। तो ये शॉर्ट डेफिनेशन हो जाएगी, लेकिन चूंकि आप जानते हैं लैटिस में ज्वाइन और मीट ऑपरेशन चलते हैं, ठीक है, तो
ये सेकंड डेफिनेशन में हमारा फुलफिल होगा क्योंकि हमने सेकंड डेफिनेशन में बूलियन अलजेब्रा की ज्वाइन और मीट ऑपरेशन ही यूज किए हैं और इसकी सारी थ्योरम इसके एग्जांपल्स ऑलमोस्ट लैटिस की तरह ही प्रूफ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि बी कोई सेट है ना, बी कोई सेट है ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 30 के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स है उसका एक सेट बनाना है। आप जानते हैं लैटिस में भी आपने पढ़ा है D30 हमें बनाना है यहाँ पर, है ना। तो और दो ऑपरेशन हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं सेट में बी में, है ना, एक ज्वाइन और एक मीट। और ज्वाइन और मीट की डेफिनेशन भी इस बार हमें गिविन है। ज्वाइन और मीट दो एलिमेंटों के बीच में अगर लगाते हैं तो इसकी कंडीशन ये है कि अगर ज्वाइन लगाते हैं तो ए ज्वाइन बी का मतलब है ए बी का एलसीएम, है ना, ए बी का एलसीएम। और मीट अगर हम निकालते हैं दो एलिमेंटों का तो उसका मतलब होता है HCF, है ना, LCM लिस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ AB। तो ये दोनों ऑपरेशन भी हमें डिफाइन है। इन दोनों ऑपरेशंस को यूज करना और प्रूफ करना है कि जो बी सेट है ये ज्वाइन ऑपरेशन, मीट ऑपरेशन और यूनरी ऑपरेशन कम्प्लीमेंट जो डैश होता है उसके रिस्पेक्ट में बूलियन अलजेब्रा बनाएगा। तो इस बार हमें केवल ऑपरेशन दिए हैं, सेट दिया है D30 यानी कि 30 के हमें सारे डिवाइजर वाला एक सेट बनाना है जिसको बी का नाम देंगे। तो D30 पहले बना लेते हैं। 1 जो है 30 को डिवाइड करता है तो 1 इस सेट में होगा, 2 30 को डिवाइड करता है 2 सेट में होगा, 3 भी 30 को डिवाइड करता है 3 सेट में होगा, 4 30 को डिवाइड नहीं करता इसमें नहीं जाएगा, 5 करता है 5 इसमें होगा, 6 करता है 6 इसमें होगा, 7 नहीं करता है, 8 नहीं करता है, 9 नहीं करता है, 10 करता है, है ना, 11 नहीं करेगा, 12 13 14 है ना, 15 करेगा, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 इनमें से कोई भी एलिमेंट 30 को डिवाइड नहीं करेगा, तो लास्ट में जो है 30 को डिवाइड करेगा। तो हमने D30 सेट बनाया जिसको हमने B का नाम दिया। इसमें एलिमेंट आए 1 2 3 5 6 10 एंड 15 30। 30 के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे उसका एक सेट बनाया। अब हमें ज्वाइन और मीट के लिए कंपोजिशन टेबल पहले बनानी होगी। ज्वाइन है यहाँ पर दो एलिमेंटों का LCM और मीट है यहाँ पर दो एलिमेंटों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले LCM का ऑपरेशन यूज़ करते हैं और ये टेबल बना लेते हैं, है ना। कंपोजिशन टेबल फॉर ज्वाइन, ज्वाइन मीन्स LCM लिस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए इसको निकाल लेते हैं हम, है ना। वन का वन के साथ ये हमारा एलसीएम है, वन का वन के साथ ज्वाइन निकाले, ज्वाइन मतलब वन का वन के साथ एलसीएम निकाले तो आप जानते हैं वन ही आएगा, वन और टू का एलसीएम निकाले तो टू आएगा, वन और थ्री का एलसीएम निकाले थ्री आएगा, वन फाइव का एलसीएम फाइव, वन सिक्स का एलसीएम सिक्स, वन 10 का 10, 115 का 15, 130 का 30। ऐसे ही आप 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे 2 आएगा, 2 और 3 का निकालेंगे 6 आएगा, 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे 10 आएगा, 2 और 6 का निकालेंगे तो ये 6 आएगा, और 2 और 10 का निकालेंगे तो 10 आएगा, 2 और 15 का निकालेंगे 30 आएगा, 2 30 का निकालेंगे 30 आएगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम लेकर के, एलसीएम वाली कंडीशन लेकर के, एलसीएम आप ठीक है बहुत अच्छे से जानते हैं एलसीएम निकालना दो एलिमेंटों के बीच में, तो एलसीएम निकाल के हमें ये एक पूरी टेबल बना लेनी है। दो रो मैंने बना के दिखाई है, बाकी पूरी टेबल को आप बना लेंगे, ठीक है। तो ये एलसीएम के लिए ज्वाइंट टेबल हो जाएगी। सेम तरीके से हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेकर के कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। इस बार हम यूज करेंगे HCF, मतलब दो एलिमेंटों में सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला एलिमेंट देखना है आपको। जैसे कि वन और वन का HCF निकालेंगे, यानी कि वन और वन को दोनों को सबसे बड़ा कौन डिवाइड कर सकता है, वन ही करेगा। वन और टू को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा जाएगा इसमें, वो हमारा वन ही होगा, वन थ्री का भी वन ही होगा, वन फाइव का वन होगा, वन सिक्स का वन होगा, वन टेन का वन होगा और वन फिफ्टीन का वन होगा, वन थर्टी का भी वन ही होगा। तो वन के साथ में अगर किसी भी एलिमेंट के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वन ही आएगा। टू वन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होगा, टू टू का, टू और टू को सबसे बड़ा कौन डिवाइड करने वाला हो सकता है, है ना,
टू से दोनों एलिमेंट डिवाइड हो सकते हैं, तो टू और टू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टू होगा, टू थ्री का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होगा, टू फाइव क्योंकि एक दूसरे के प्राइम नंबर है ना, टू फाइव दोनों को अगर देखे कॉमन डिवाइड करने वाला तो वन ही जाएगा, टू सिक्स को टू जाएगा, टू टेन को टू जाएगा, टू फिफ्टीन, टू फिफ्टीन दोनों प्राइम है एक दूसरे से को प्राइम है तो वन जाएगा, टू थर्टी, टू थर्टी दोनों को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टू होगा। तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाली कंडीशन को यूज करते हुए दो रो मैंने बनाई है, बाकी इस पूरे टेबल को आप इसी तरीके से बना लेंगे। फिर हम इसमें कम्प्लीमेंट टेबल भी बना लेते हैं, कंपोजिशन टेबल फॉर कम्प्लीमेंट, ठीक है ना। कम्प्लीमेंट टेबल आप जानते हैं कैसे बनेगी, है ना। कम्प्लीमेंट के लिए आपको पता है कि सबसे पहले आपको लिस्ट एलिमेंट सेट का और ग्रेटेस्ट एलिमेंट देखना है। अगर इस सेट का लिस्ट एलिमेंट की बात करें तो वन होगा, ठीक है, लिस्ट एलिमेंट वन होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसका थर्टी होगा, तो जीरो वन की जगह पर यहाँ पर वन और थर्टी काम करेंगे। और कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई एलिमेंट अपने कम्प्लीमेंट के साथ ज्वाइन करके आपको ग्रेटेस्ट एलिमेंट देता है, ठीक है, तो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट होंगे, और अगर कोई एलिमेंट अपने कम्प्लीमेंट के साथ में मीट ऑपरेशन के साथ में लिस्ट एलिमेंट देता है तो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट होंगे। तो आपको वन के लिए एक ऐसा एलिमेंट देखना है जिसका ज्वाइन करने पर थर्टी आए और मीट करने पर वन आए, वन के साथ में ज्वाइन करने पर थर्टी आए, वन के साथ में अगर ज्वाइन करते हैं हम थर्टी को तो थर्टी आता है ना। अब वन के साथ में मीट करेंगे थर्टी का, वन के साथ में अगर मीट करें थर्टी का तो वन आता है, यानी कि ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट मिलते हैं। ज्वाइन करने पर थर्टी आया है वन के साथ में, और मीट करने पर वन आया है, तो वन का जो कम्प्लीमेंट है वो थर्टी होगा। ऐसे ही टू का ज्वाइन करने पर, ठीक है, टू ज्वाइन का एलसीएम है और मीट हमारा एचसीएफ है, तो टू का ज्वाइन हम किसके साथ में करें जिससे कि थर्टी आ जाए। टू का ज्वाइन अगर हम 15 के साथ में करते हैं, 2 और 15 का एलसीएम 30 होगा, और 2 का मीट अगर हम 15 के साथ में करते हैं तो 1 आएगा लिस्ट एलिमेंट, ठीक है, तो ये हमारा 15 जो है 2 का कम्प्लीमेंट होगा। तो इसी तरीके से हम ये कम्प्लीमेंट टेबल भी बना लेंगे। 3 का ज्वाइन किसके साथ करें जिससे कि 30 आए, और किसके साथ करें जिससे कि 1 आए, तो वो एलिमेंट हमारा 10 होगा। 5 का ज्वाइन अगर हम 6 के साथ करते हैं तो 30 आएगा एलसीएम, है ना, और 5 का मीट अगर 6 के साथ करे तो 1 आएगा, यानी कि 5 का जो कम्प्लीमेंट है 6 होगा। ऐसे ही 6 का कम्प्लीमेंट 5 होगा, 10 का 3, 2, 1, इस तरीके से हम सभी एलिमेंटों के कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो हमने तीनों टेबल पहले बनानी है, फिर वही लाज लिखने हैं क्लोजर ला, है ना। ऊपर की दोनों टेबल आपने देखी है, दोनों टेबल में जितने भी एलिमेंट आपने निकाले हैं ऑपरेट करने पर सारे के सारे बी सेट में बिलोंग करते हैं ऊपर, है ना। अगर ये बी सेट में बिलोंग करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। वही यहाँ पर मैंने लिखा है, सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन द कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू द सेट बी, देयरफॉर बी सेटिस्फाई क्लोजर ला अंडर ज्वाइन एंड मीट ऑपरेशन, यानी कि अगर दो एलिमेंट बी में है तो उनका ज्वाइन और मीट दोनों बी में बिलोंग करते हैं। कम्यूटेटिव ला, सिंस रोज एंड कॉलम्स इन द कंपोजिशन टेबल्स आर आइडेंटिटिकल, आप जानते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर, सेकंड रो सेकंड कॉलम के बराबर है, ऐसी थर्ड रो थर्ड कॉलम के बराबर है। ज्वाइन में भी देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर, सेकंड रो सेकंड कॉलम के बराबर, है ना। तो सभी रोज कोरस्पोंडिंग रोज और कोरस्पोंडिंग कॉलम जो इक्वल है तो कम्यूटेटिव लॉ भी यहाँ पर होल्ड होता है। वही मैंने लिखा है यहाँ पर, सिंस रोज एंड कॉलम्स इन द कंपोजिशन टेबल आर आइडेंटिटिकल कम्यूटेटिव ला होल्ड, मतलब ए ज्वाइन बी निकाले बी ज्वाइन ए निकाले सेम आएगा, ए मीट बी निकाले या बी मीट ए निकाले सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी बहुत ईजिली होल्ड होता है ना। दो ऑपरेशन लेफ्ट वाले जो डिस्ट्रीब्यूटिव ला है दोनों को प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा आपको। आप ए बी सी अगर कोई भी तीन एलिमेंट लेते हैं तो ए ज्वाइन बी मीट सी निकालेंगे या ए ज्वाइन बी मीट ए ज्वाइन सी निकालेंगे, दोनों इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे मैंने लिया है, ए को 3, बी को 5, सी को 10 लिया है, है ना। तो 3 का ज्वाइन 5 और 10 के साथ निकालेंगे, 5 और 10 का मीट, 5 और 10 का मीट है, 5 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि 5 ही आएगा। अब 3 और 5 का ज्वाइन यानी कि 3 और 5 का एलसीएम जो कि 15 आएगा। ऐसे ही 3 और 5 का ज्वाइन
15 होगा मीट 3 और 10 का ज्वाइन, एलसीएम निकालेंगे 3 और 10 का जो कि 30 होगा, और फिर दोनों का मीट यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि 15 होगा जो कि इक्वल आएगा। तो मैंने 3, 5, 10 को लिया और मैंने यहाँ पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करके दिखाया। सेम तरीके से हम मीट के लिए भी निकाल सकते हैं, है ना। मीट यानी कि 5 और 10 का एलसीएम, ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 ही आएगा, और 3 के साथ में इसका मीट निकालेंगे यानी कि 3 और 10 का हमें निकालना है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि हमारा 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा और 3 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 होगा। सेम तरीके से 3 का मीट निकालेंगे 5 के साथ और 3 का मीट निकालेंगे 10 के साथ। 3 का मीट 5 के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा और 3 का 10 के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। फिर दोनों का ज्वाइन, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 1 आएगा। आप देख सकते हैं ये भी दोनों बराबर है क्योंकि मैंने नीचे लिखा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेकर के देखेंगे आप, है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई होगा। दो ऐसे एलिमेंट देखने हैं जिससे कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट बने, जिससे कि वही एलिमेंट वापस आ जाए। ज्वाइन की टेबल में आप देख सकते हैं 1 एक ऐसा एलिमेंट है, 1 को हमने सबके साथ ऑपरेट किया तो वही एलिमेंट सेम आ गए ऊपर से, यानी कि 1 हमारा ज्वाइन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है। और अगर मीट के रेस्पेक्ट में जाए तो मीट के रेस्पेक्ट में 30 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हमने सबके साथ ऑपरेट किया, वही एलिमेंट सेम वापस आ गए। तो मीट के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 30 होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी के लिए 1 और 30 हमारा इस तरीके से बिलोंग करता है कि ए का ज्वाइन 1 के साथ निकाले तब ए आता है, है ना, ए का मीट 30 के साथ निकाले तो ए आता है, यानी कि जो 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है ज्वाइन के लिए और जो 30 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है मीट के लिए। आइडेंटिटी लॉ भी यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। कंप्लीमेंट लॉ, कोई भी दो एलिमेंट मिलके अगर ज्वाइन करने पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट दे, मीट निकालने पर लीस्ट एलिमेंट दे तो एक दूसरे के कंप्लीमेंट होंगे, और ये सभी एलिमेंटों के लिए है। किसी भी एलिमेंट को आप चेक कर सकते हैं, कंपोजिशन टेबल बनाई थी मैंने आपकी वहाँ पर ऊपर, है ना, कंपोजिशन टेबल बनाई है। सारे एलिमेंटों कंप्लीमेंट बिलोंग करते हैं सेट में, है ना। 1 का 30 है, 2 का 50 है ना, 3 का कंप्लीमेंट 10 है, 5 का कंप्लीमेंट 6 है, है ना, 6 का कंप्लीमेंट 5 है। सारे एलिमेंटों के कंप्लीमेंट बिलोंग करते हैं तो कंप्लीमेंट लॉ भी यहाँ पर बहुत ईजीली होल्ड हो जाएगा, है ना। वही मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश बिलोंग्स टू बी, है ना, इस तरीके से करता है कि ज्वाइन निकालेंगे तो 30 जाएगा, मीट निकालेंगे तो 1 जाएगा। तो यानी कि पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई तो बी ज्वाइन मीट और कंप्लीमेंट के साथ में यहाँ पर क्या बनाएगा, बूलियन अलजेब्रा बनाएगा, ठीक है। तो ये भी बूलियन अलजेब्रा है। तो पहले हमने क्या किया था, प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिए थे और बी को हमने बूलियन अलजेब्रा दिखाया। फिर हमने बी के साथ में दूसरी डेफिनेशन ली, ज्वाइन और मीट लिया, ज्वाइन और मीट लिया और उसको हमने बूलियन अलजेब्रा दिखाया, ठीक है ना। अब तीसरी डेफिनेशन हम लेंगे। तीसरी डेफिनेशन में क्या होगा, ज्वाइन की जगह पर यूनियन हो जाएगा, सेट थ्योरी में जाएंगे हम, और मीट की जगह पर इंटरसेक्शन हो जाएगा तो वो भी हमारा बूलियन अलजेब्रा बनता है। वो सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है बी यूनियन मीट, सॉरी बी ज्वाइन, ज्वाइन की जगह पर हमने यूनियन और मीट की जगह पर इंटरसेक्शन यूज किया है, बी यूनियन एंड इंटरसेक्शन के साथ में ये हमारा बूलियन अलजेब्रा बनेगा। वही क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे कि अगर ए वन ए टू दो सेट हमारे बी में बिलोंग करते हैं तो दोनों का यूनियन भी बी में जाए, इंटरसेक्शन भी बी में जाए। कम्यूटेटिव ला, ए वन यूनियन ए टू निकाले या ए टू यूनियन ए वन निकाले दोनों बराबर होंगे, सेट थ्योरी में जनरल सी कंडीशन है ये। इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए वन इंटरसेक्शन ए टू, ए टू इंटरसेक्शन ए वन दोनों बराबर होंगे, कम्यूटेटिव ला सेटिस्फाई हो जाएगा। सेट थ्योरी में डिस्ट्रीब्यूटिव ला बहुत ईजिली होल्ड होता है, है ना। यूनियन को हम इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसके इक्वल आएगा, और इंटरसेक्शन को हम यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसके इक्वल आएगा। ये बहुत ईजिली आप जानते हैं सेट थ्योरी में होता है। आइडेंटिटी ला, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी के लिए आइडेंटिटी ला भी हम डिफाइन कर सकते हैं। आइडेंटिटी यहाँ पर हम फाई सेट और यूनिवर्सल सेट यू बनाएंगे, है ना। फाई एक ऐसा सेट है ना,
कि उसका हम किसी भी सेट के साथ यूनियन करें वही सेट वापस आता है, मतलब फाई होगा यूनियन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट, और जो यूनिवर्सल सेट यू है ठीक है तो वो होगा हमारा इंटरसेक्शन के साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सेट थ्योरी में अगर जाएं तो फाई होता है यूनियन के साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट, यू होता है यूनिवर्सल सेट जो यू होता है वो होता है इंटरसेक्शन के साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि वही एलिमेंट वापस आएगा ऑपरेट होने पर ए, आप देख सकते हैं वही एलिमेंट वापस आएगा ए। कॉम्प्लीमेंट ला ये आप जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट ला पहले से ही आपको पता है बहुत अच्छे से कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर ले हम और उसका यूनियन करें दोनों का तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है, इंटरसेक्शन करने पर फाई सेट बनता है, यानी कि तो बहुत जनरल सी कंडीशन है, कॉम्प्लीमेंट ला भी यहाँ पर होल्ड होना चाहिए। तो इसको डिनोट करते बी यूनियन इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट सिंबल डैश से, और इसमें लिस्ट एलिमेंट को माना जाता है फाई और ग्रेटेस्ट एलिमेंट को माना जाता है यू। तो ये हमारा यहाँ पर जो है बूलियन अलजेब्रा की तीसरी डेफिनेशन हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल सेट थ्योरी से रिलेट करते हैं तो अपने आप इसको प्रूफ करेंगे, है ना। एग्जाम्पल है हमारा कि लेट एस बी ए फैमिली ऑफ सेट्स विच इज़ क्लोज अंडर यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट डैश, देन प्रूफ डैट, तब आपको प्रूफ करने की जो सेट है यूनियन इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट के रेस्पेक्ट में बूलियन अलजेब्रा बनाएगा। इसको बिल्कुल एज यूजुअल जैसे डेफिनेशन बताइए इसी तरीके से लिखते जाना है और बहुत ईजिली प्रूफ हो जाएगी कि सेट थ्योरी से रिलेट करती है फर्स्ट मॉड्यूल से। तो ये तीनों डेफिनेशन विद एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई बूलियन अलजेब्रा की, इसमें मेन है हमारी प्लस और डॉट वाली सबसे पहली डेफिनेशन, उसी को लेकर के हम थ्योरम प्रूफ करेंगे। और इसमें एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है जो ज्वाइन मीट है डेफिनेशन, ज्वाइन मीट को लेकर के जो हमने बूलियन अलजेब्रा की डिफाइन की है उसमें लैटिस वाली जो थ्योरम्स है वही चलेगी सेम, यानी कि उसका प्रूफ एज इट इज़ रहेगा जैसे हमने लैटिस में किया था। तो लैटिस के लेक्चर देख लीजिए क्योंकि आगे जो थ्योरम हमारे लेक्चर चलेंगे उसमें आपको वे थ्योरम्स बहुत काम आएगी, बिल्कुल सेम पैरेलल प्रूफ चलता है। दो नंबर में कई बार पूछा गया है कि शो डैट ए बूलियन अलजेब्रा कैन नॉट हैव थ्री एलिमेंट्स, कभी कभी इसमें फाइव एलिमेंट लिखा आता है, और बहुत सिंपल सी बात है कॉम्प्लीमेंट ला से आप जानते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो अगर तीन एलिमेंट है, मैं मान लेता हूँ एक लिस्ट एलिमेंट जीरो है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट वन है और एक एलिमेंट ए है, अगर हम जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन कहे, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो कहे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा ही नहीं क्योंकि ए तो अकेला बच जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका मतलब ये कभी भी हमारा बूलियन अलजेब्रा नहीं बनाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखी भी है, लेट बी प्लस डॉट और डैश एक बूलियन अलजेब्रा है, बी हमने मान लिया जीरो वन ए, तीन एलिमेंटों का ये सेट है, जीरो वन तो हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट्स है ठीक है, किस किस के रेस्पेक्ट में, प्लस और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, और ये भी आप बहुत ईजिली जानते हैं कि जो जीरो का कॉम्प्लीमेंट है वो वन होता है और जो वन का कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारा जीरो होता है ठीक है। जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमारा वन होगा और वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा, तब हमारा जो लेफ्ट एलिमेंट है वो हमारा बचेगा यहाँ पर ए ठीक है, लेफ्ट जो एलिमेंट है वो हमारा ए बचेगा। अब ए का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालें, ऑल्सो वी नो डैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी एलिमेंट इज यूनिक, यूनिक होता है तो ये तो यूनिक रहेंगे, इनका कॉम्प्लीमेंट तो ये फिक्स हो गए, दो एलिमेंट तो यहाँ पर कवर हो गए, बच्चा हमारा ए एलिमेंट, वी नो डैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी एलिमेंट इज यूनिक, देन ए डैश डज नॉट एग्जिस्ट इन बी, मतलब जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा हमारा फिर, क्योंकि वो तो अकेला रह गया है ना। तो इसका मतलब बी प्लस डॉट अगर तीन एलिमेंटों के साथ में है तो कभी भी वो हमारा बूलियन अलजेब्रा नहीं बनाएगा, और अगर फाइव एलिमेंट भी लेते हैं तो फाइव एलिमेंट में भी सेम ही केस बनता है ना, चार एलिमेंटों के तो हमारे बहुत ईजिली कॉम्प्लीमेंट मिल जाते लेकिन पाँचवा एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता तो वो भी हमारा बूलियन अलजेब्रा नहीं बनाएगा ठीक है। तो आज मैंने बूलियन अलजेब्रा की तीन डेफिनेशन जिसमें प्लस और डॉट वाली मेन है, ज्वाइन और मीट वाली लैटिस में हम डिस्कस कर चुके हैं वही सब चलेगा ठीक है ना, तो इन दोनों को हम अच्छे से यूज करेंगे आगे थ्योरम्स में, प्लस और डॉट वाली मेन है उसको आप अच्छे से तैयार करें, और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा बूलियन अलजेब्रा की मैं थ्योरम्स की, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है ना।